हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बीकॉम सेम फाइव बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया था, ओके। और उसी यूनिट में हमारा एक और टॉपिक है प्रपोजल, ऑफर, इसको कहा जाता है एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही देखा था कि एक पार्टी जो है ऑफर रखती है, अपना प्रपोजल रखती है, और दूसरी पार्टी जो है उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ऑफर किसे कहा जाता है, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रपोजल और ऑफर, ठीक है, और एक्सेप्टेंस का भी मतलब क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ये जो आपकी डेफिनेशन है सेक्शन 2A में दी गई है, व्हेन वन पर्सन साइनिफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence is said to make a proposal. एक छोटी सी आपकी ये डेफिनेशन में बहुत सारे जो टॉपिक है आपको क्लियर करने पड़ेंगे कि when one person signifies to another, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को क्या करता है, हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है। एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन की विलिंगनेस यानी कि इच्छा को जानने की कोशिश करता है टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए या तो फिर कुछ करने से उसको अटकाने के लिए, ठीक है, कुछ करने से उसको रोकने के लिए, विथ अ व्यू टू एब्सटेन द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ठीक है, उसको क्या करता है, उसकी विलिंगनेस जानने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है प्रपोजल। यानी कि अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ करने के लिए या तो फिर कुछ करने से रोकने के लिए अगर सामने वाले की इच्छा को पूछता है, ठीक है, कि वो काम जो है उसको करना है या तो फिर नहीं करना है, तो इट इज़ अ प्रपोजल और ऑफर, ठीक है। तो इसमें मेन पर्पस क्या है कि आप जो है सामने वाली पर्सन की जो है उसकी इच्छा को आप देखना चाहते हैं कि उसको ये काम करना है या नहीं करना है, एक आप प्रपोजल रखते हैं उसके सामने, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ऑफर और प्रपोजल, ठीक है। तो मेन इसका टॉपिक है आपको सामने वाले की विलिंगनेस जाननी है टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, कुछ करने के लिए या तो फिर, ठीक है। चलिए अब इसमें से कई सारे टॉपिक ये डेफिनेशन में से निकल के आते हैं, देखते हैं। तो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर, यानी कि जो भी पर्सन ये प्रपोजल रख रहा है, ठीक है, उसको कहा जाता है प्रोमिसर और ऑफरर, ठीक है। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसी और एक्सेप्टर, ठीक है। जिसके जो भी पर्सन ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, उसे कहा जाता है ऑफरी, ठीक है, या तो फिर उसे प्रोमिसी भी कहा जाता है या तो फिर एक्सेप्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें दो टॉपिक है, जो ऑफर कर रहा है उसे कहा जाता है ऑफरर, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे कहा जाता है ऑफरी या तो फिर एक्सेप्टर। दूसरी लैंग्वेज में देखा जाए तो जो प्रॉमिस दे रहा है उसे कहा जाता है प्रॉमिसर और जो ले रहा है उसे प्रॉमिसी कहा जाता है, ओके। तो कई बार ये आपकी एमसीक्यू
में भी पूछा जाता है कि किसे क्या कहा जाता है, ठीक है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफरर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर, एंड द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसी और एक्सेप्टर। ओके, फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर, ठीक है। इसमें कहा जा गया है कि आपको फॉर वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, ठीक है। एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी की विलिंगनेस जानने की कोशिश करता है कि उसे क्या करना है, उसे कुछ करना है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। उसे कुछ करने के लिए या तो फिर कुछ ना करने के लिए उसकी विलिंगनेस जानने की कोशिश करता है, ठीक है। बट अगर कुछ करने के लिए उसकी सिर्फ विलिंगनेस ही हो, ठीक है, यानी कि इसमें आपको कहा गया है कि मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डस नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर, यानी कि कुछ करने की सिर्फ इच्छा को व्यक्त करना उसे ऑफर नहीं किया कहा जाता। यानी कि देखिए, एक आप एक मैं एग्जांपल लेते हैं कि एक दो फ्रेंड्स है, ठीक है, और दोनों में सोशल जो है बातें हो रही है, और एक फ्रेंड जो है दूसरे फ्रेंड को कहते हैं कि मुझे अपनी गाड़ी जो है 2 लाख में सेल करनी है, ठीक है। तो ये उसकी विलिंगनेस हुई, ठीक है, एक पर्सन की ये विलिंगनेस हुई कि मुझे अपनी गाड़ी जो है 2 लाख में सेल करनी है, तो ये उसकी विलिंगनेस हुई। ये प्रपोजल या तो फिर ये ऑफर नहीं है, ठीक है। मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर, यानी कि कोई किसी भी काम को करने की अगर आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो उसे प्रपोजल नहीं कहा जाता है। बट अगर आप सामने वाले की विलिंगनेस को जानने की कोशिश करते हैं तो उसे कहा जाता है प्रपोजल। यानी कि अगर वो अपने दोस्त को ये कह रहा है कि मुझे अपनी कार जो है 2 लाख में सेल करनी है, क्या तुम परचेस करोगे, ठीक है, तो उसने क्या किया, सामने वाले की विलिंगनेस को जानने की कोशिश की है, उसने एक प्रपोजल रखा है, ठीक है। तो सिर्फ विलिंगनेस को जो है ऑफरर नहीं माना जाता है। आपकी बातों से ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने वाले की विलिंगनेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, यानी कि जो ऑफर कर रहे हैं आप वो पॉजिटिव भी हो सकती है या तो फिर नेगेटिव भी हो सकती है। ये दोनों जो है फ्रेंड्स नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो सामने वाले को बहुत चोट आई हुई होती है, सामने वाले पर्सन को, और सामने वाला जो कहता है कि मैं आपके ऊपर केस कर लूँगा, ठीक है, तो वो दूसरा जो पर्सन है उसको ऑफर देता है कि प्लीज़ आप केस मत कीजिए, आपका जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगा या तो फिर आपका जो भी कार का जो एक्सपेंस होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है एक नेगेटिव ऑफर हो गई, कुछ ना करने के लिए उसको ऑफर दी गई है, यानी कि अगर आप केस ना करिए, ठीक है, अगर आप केस नहीं करिए तो मैं आपको ये एक्सपेंसेस देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ऑफर जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विथ अ व्यू टू एब्सटेन टू एसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू होम द ऑफर इज मेड, ठीक है। ये हमने अभी बात की कि हमें क्या करना है कि अदर पार्टी की आपको विलिंगनेस जानने की कोशिश करनी है। उस आपकी बातचीत से ऐसे लगना चाहिए कि आपकी बातचीत से ऐसा एक्सप्रेस होना चाहिए कि आप सामने वाले की एसेंट को विलिंगनेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रपोजल जो है, ऑफर जो है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू एब्सटेन ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ठीक है। चलिए अब इसमें आपका एक टॉपिक पूछा जाता है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर, ठीक है।
एक वैलिड ऑफर के लिए उसमें क्या होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, इसमें आपको कहा गया है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। ठीक है, ये जो ऑफर की गई है दोनों में, तो दोनों का इंटेंशन जो है वो लीगल रिलेशन के लिए ही होना चाहिए। यानी कि अगर दो फ्रेंड्स जो है अपनी सोशल से दोनों बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है दोनों की जो भी बातचीत हो रही है उसमें उनका इंटेंशन कोई भी लीगल रिलेशन रखने का नहीं है। ठीक है, अब देखिए, दो फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट करता है डिनर के लिए। ठीक है, और दूसरे ने क्या किया है, उसकी ऑफर का एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब किसी रीज़न से क्या होता है कि दूसरे फ्रेंड्स ने मना कर दिया कि मैं आज आपके घर पे डिनर के लिए नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, अब वो जो फ्रेंड्स है उसके फ्रेंड पर केस नहीं कर सकता कि क्यों तुम मेरे घर पे डिनर करने नहीं आए। ठीक है, मेरा ये जो नुकसान हुआ है, जो है कोर्ट में केस करने नहीं जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर सोशल रिलेशन के वजह से आप जो ऑफर दे रहे हैं किसी को, तो वो एक ऑफर नहीं मानी जाती। तो दोनों की इंटेंशन जो है लीगल रिलेशन के लिए होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ द ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव राइज टू लीगल कंसिक्वेंसेस एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफर इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, अ सोशल इन्विटेशन इवन इफ इट इज़ एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशंस बिकॉज इट इज़ नॉट अ सो इंटेंडेड। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई सोशल इन्विटेशन यानी कि कोई भी सोशल रिलेशन की वजह से आप एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं और दूसरा जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो दो इन द आइज ऑफ लॉ वो वैलिड ऑफर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, वैलिड ऑफर कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट उसका जो इसेंशियल एलिमेंट्स है, इट इज़ मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद है इट मस्ट बी सर्टेन, डिफाइन इट एंड नॉट वैग। ठीक है, ये जो ऑफर है वो सर्टेन होनी चाहिए, यानी कि आप जिसके लिए भी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, वो सर्टेन होना चाहिए। वो चीज़ है या तो फिर कोई भी पर्टिकुलर इंसान के लिए आप कर रहे हैं, वो डिफाइन इट सर्टेन इट ऑफर। ए ऑफर्स टू सेल बी 100 क्वांटल ऑफ ऑयल, देर इज़ नथिंग वॉट एवर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। ठीक है, तो बी को ऑफर दे रहा है कि मुझे 100 क्विंटल्स ऑयल जो है सेल करना है, बट इसमें कोई भी आपको देखिए डिफाइन नहीं किया गया है कि किस टाइप का ऑयल है। ठीक है, कोई भी ऑयल हो सकता है। तो आपकी जो ऑफर है मस्ट बी सर्टेन होनी चाहिए। ठीक है, द ऑफर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर वॉट ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, तो इट इज़ मस्ट बी सर्टेन, डिफाइन इट एंड नॉट वेग। ठीक है, उसके बाद है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ठीक है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, एंड ऑफर टू बी कम्प्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। ठीक है, इसमें आपको एक केस भी हमने लिखा है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि ऑफर जो जिसे भी आप ऑफर दे रहे हैं उसके उसके तक ये ऑफर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक इंसान है, उसका बच्चा जो है, ठीक है, और उसने एक ऑफर दी हो रखी होती है कि अगर इस बच्चे को कोई भी ढूंढ के निकालेगा उसको 1 लाख रुपीज़ का उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, अब किसी इंसान ने उसको ढूंढ के निकाला है। ठीक है, अब क्या होता है कि उस इंसान को तो पता नहीं है कि ये जो बच्चे को ढूंढ निकालेगा उसको 1 लाख रुपीज़ का इनाम है। ठीक है, अब जो है सामने वाला इंसान जो है उसके पर क्या
केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको तो अभी ऑफर का मालूम ही नहीं है कि इसके लिए 1 लाख रुपीस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, यानी कि जो भी ऑफरी है उसको ऑफर का पता होना चाहिए। अगर उसको ऑफर के बारे में पता नहीं है तो वो सामने वाले पर्सन पर क्या केस नहीं कर सकता, ठीक है। तो एन ऑफर टू बी कम्प्लेन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट, ठीक है। फिर आता है इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट एंड नॉट मेयरली विथ अ व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर, ठीक है। यानी कि जो भी आप ऑफर दे रहे हैं वो सामने वाले की इच्छा को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि, यानी कि अगर आप ऐसी ऑफर नहीं होनी चाहिए कि अगर आपने इस लिमिटेड पीरियड में मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान लूँगा कि आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसमें सामने वाले की जो भी इंटेंशन है, जो भी सामने वाले की जो भी आप विलिंगनेस जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपकी ऑफर में लगना चाहिए, ठीक है। है इट मे बी कंडीशनल, यानी कि ऑफर जो है कंडीशनल भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि कोई, मान लीजिए कि कोई ऐसी ऑफर है कि आपको वो जो काम करना है वो कंडीशनल है, यानी कि फॉर एग्जांपल ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस और एनईएफटी, ठीक है। यानी कि जो भी ऑफरर है वो पहले से ही आपको बता देता है कि जो पेमेंट करना है वो आरटीजी से करना है या तो फिर एनईएफटी से करना है, ठीक है। तो इट मे बी कंडीशनल हो सकता है, द ऑफरी मिल विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, ठीक है। यानी कि जो ऑफरी है उसको सारी कंडीशन जो है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रीटेड एज इनवैलिड, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ऑफर जो है कंडीशनल भी हो सकती है, ठीक है। फिर आता है ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लीट ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, दस वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय सर्टेन टाइम द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड, ठीक है। ये हमने अभी आपको डिस्कस किया कि एक पर्सन जो है वो ऐसा नहीं कह सकता कि अगर आपने मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है तो मैं आपने अगर लिमिटेड टाइम में आपने जवाब नहीं दिया है तो मैं ये मान लूँगा कि आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर अदर वर्ड्स में कहा जाए कि किसी भी पर्सन की साइलेंस को हम उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है ऐसा हम नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है द ऑफर मे बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, यानी कि आपकी जो ऑफर है वो किसी स्पेशल पर्सन को भी आप कर सकते हैं या तो फिर जनरल ऑफर भी हो सकती है। यानी कि देखिए, आप दो फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड्स को ऑफर देता है कि मुझे अपनी कार सेल करनी है, क्या तुम्हें परचेस करनी है, तो एक स्पेशल पर्सन को भी आप ऑफर दे सकते हैं या तो फिर ऑफर जनरल हो सकती है। अगर बच्चा गुम हो गया है और उसने एडवर्टाइज दी है न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो अब न्यूज़पेपर में अगर उसने एडवर्टाइज दी है तो वो जनरल ऑफर है, वो सबके लिए ऑफर दी गई है, ठीक है। एनी ऑफर कैन बी मेड टू आइदर पब्लिक एट लार्ज और टू द एनी स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि जो भी आपकी ऑफर है वो पब्लिक के लिए भी हो, स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी हो सकती है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर, अ मेयर कम्युनिकेशन टू इंफॉर्मेशन, कैजुअल इक्विटी, प्रॉस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। यानी कि ऑफर है वो सबसे अलग है, ठीक है। तो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन
इनविटेशन टू ऑफर अ मेयर कम्युनिकेशन टू ऑफ इंफॉर्मेशन कैजुअल इक्विटी प्रॉस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, द ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी कि आपकी जो ऑफर है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है या और इम्प्लाइड भी हो सकती है. एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में आपको बताया गया था. ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है कि आपने ओरली, ठीक है, ओरली और रिटन फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करके बताया है कि आपने ऑफ़र की है. ठीक है, या तो फिर आपकी एक्शन के थ्रू पता चलता है कि आपने ऑफ़र की है. ठीक है, तो द ऑफ़र में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकती है. अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफ़र. ठीक है, तो एक प्राइस की स्टेटमेंट जो है वो ऑफ़र नहीं मानी जाती है. ठीक है, तो ये सब आपके इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफ़र है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा भी जाता है कई बार कि इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफ़र कौन से है. ठीक है, तो इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, इट मस्ट बी सर्टेन, फिर है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. ठीक है, फिर आता है आपकी जो इंटेंशन है वो मेकिंग ऑफर होनी चाहिए. ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म्स द नॉन कॉम्प्लीस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. ठीक है, द ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल. फिर आता है ऑफर इज डिफरेंट फॉर मेयर स्टेटमेंट, द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एंड अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है जो आपकी प्रपोजल ऑफर में है. तो आज हमने इन तीनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक डिस्कस किया है, प्रपोजल ऑफर. ठीक है, उसको ऑफर भी कहा जाता है. एक्सेप्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. और ये जो आप उसकी डेफिनेशन है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है. आप इसको रीड कीजिएगा, और किसी टॉपिक में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.